11-12 के बीच के आसपास सूर्या मॉल के सामने कुछ लड़के आपस में झगड़ रहे थे, वहाँ पे पेट्रोलिंग गाड़ी पहुंची और उनको भगाया वहाँ से। और उसके बाद सूर्या रेजिडेंसी वाली जगह है एमजे कॉलेज के सामने, वहाँ पर ये लड़के फिर से झगड़ा कर रहे हैं, ऐसी सूचना लड़कों को मिली पुलिस वालों को, तो फिर मौके पे गए उनको फिर बीच बचाव का प्रयास किया जाने लगा। उसी दौरान एक जो आरक्षक है शुभिंदर सिंह, उसको लोगों ने मतलब कुछ चाकू जैसे हथियार से उस पर वार किया था और उसके बाद वो लोग वहाँ से भाग गए। फिर इस मामले उक्त मामले में हमने एफआईआर किया हुआ है और उसके बाद फिर चार लड़कों को अभी राउंड अप किया हुआ है, उनसे पूछताछ कर रहे हैं। कितने लोग अभी तक जो पूछताछ हुई है उसके मुताबिक अभी करीब 6 लड़के इसमें इन्वॉल्व है। सर नाम से किनकी गिरफ्तारी हो पाई अभी तक? फिलहाल हमारे कस्टडी में दीपक सिंह, हेमंत राय, बीटू सोनकर और प्रवीण विश्वाल है। सुबह चौकी का घेराव हुआ था, कितने बजे क्या मामला था? दरअसल इन जो लड़कों को लाया गया था उनके पीछे कुछ उनके परिवार के लोग थे, वो घेराव जैसे थे नहीं थी उन लोगों को, तो अपने घर वालों के साथ साथ वो लोग आए थे। सर आखिर विवाद कैसे हुआ, क्या क्या निकल के सामने है? जो चौकी पे विवाद की बात कर रहे हैं, वो दरअसल अपने जो लड़के पकड़े गए थे उनके परिवार वाले उनके जान पहचान के लोगों से पीछे आए थे। सूर्या मॉल में जो हुआ था घटना, सूर्या मॉल में जो घटना हुई थी उसके विषय में बहुत ऐसा आपस में लोग झगड़ रहे थे और उसका क्या विषय था अब तक हम जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन पुलिस वाले ने बीच बचाव किया, उस बीच उन लोगों को उसने व्यवहार किया। सर क्या आप मानते हैं कि पुलिस असुरक्षित है क्योंकि अपराधी जो है पुलिस से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और एक्चुअली वो लड़का उस पुलिस वाला अकेले था और वो बाकी सब नशे में थे, वो इस दौरान इस तरह की घटना हो जाती है और हम इन पे तगड़ी कार्रवाई करेंगे। ठीक।